नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट। दोस्तों, अगर आपके छत का ढलाई कंप्लीट हो गया है तो उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम रहता है जिसको आपको करवा लेना चाहिए। दोस्तों, छत को ढालने से पहले जब हम शटरिंग करते हैं तब दोस्तों वाटर लेवल दोस्तों चेकिंग किया जाता है, लेवल चेक किया जाता है, लेकिन छत ढलाई के समय दोस्तों उस तरह का कोई भी व्यवस्था नहीं रहता है। और छत मान लीजिए कि आपने आज ढाला है तो उसके लगभग लगभग डिपेंड करता है कि किस तरह का मौसम है। अगर बरसात है तो लगभग लगभग 24 घंटे के बाद दोस्तों आपको एक काम करना पड़ेगा। अगर गर्मी का सीजन है तो 10-12 घंटे के बाद भी एक काम कर सकते हैं। वो काम क्या रहेगा दोस्तों कि आप दोस्तों छत के अच्छी तरीके से लेवल लेकर के उस पर दोस्तों एक पतली प्लास्टर और उसके बाद दोस्तों सीमेंट का पतला घोल दोस्तों चढ़वा सकते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे होगा ये कि आपका जो छत का लेवल है दोस्तों वो बिल्कुल सही हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ कि उसमें क्रैक आने का जो चांसेस रहते हैं वो बहुत ही दोस्तों कम हो जाती है। साथ ही साथ दोस्तों एक चीज़ और आप ध्यान देंगे कि आपका जब भी छत की ढलाई हो रही होगी दोस्तों उसमें आप कवर ब्लॉक बिल्कुल 1 मीटर स्क्वायर पर तो दिलवाएंगे ही, लेकिन ज़रूरी नहीं है दोस्तों 1 मीटर स्क्वायर पर ही दिलवाएँ। आप चाहें तो अगर देखें कि आपका अगर सरिया नीचे अगर शटरिंग में सट रहा है दोस्तों वहाँ पे आप कवर ब्लॉक एक्स्ट्रा भी आप दिलवा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों क्यूरिंग करने के लिए जब आप प्लास्टर कर देंगे उसके बाद दोस्तों स्टार्ट होता है क्यूरिंग प्रोसेस। जब आपका प्लास्टर सूख जाएगा, साथ ही साथ दोस्तों आप ये भी देखें कि ढलाई जब आपका पैर में चिपकने नहीं लगे, आप जब ढलाई पर चलेंगे दोस्तों तो बहुत जगह देखेंगे कि आपका जो है वो ढलाई पर चलते हैं तो वहाँ पर एक दाग बनता है, तो इसका मतलब है कि आपका ढलाई नहीं सूखा हुआ है, तब आपको प्लास्टरिंग और उसके ऊपर दोस्तों पन्ना नहीं चढ़वाना है। इस चीज़ का ध्यान देंगे। धन्यवाद।